बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी और वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलहदा हो गया कुछ वक्त के बाद और मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे, मैं बहुत परेशान था। कर्ज भी ले लिया था 1,00,000 रुपया, भूख सर पर थी, मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था अपने हालात पे। उस वक्त वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला अब ये आ गई है मनहूस। मैंने बीवी को कहा कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई। भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आहिस्ता से बोली पागल तू हमें ही परेशान होता है। बच्चे स्कूल थे, मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते